अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हेल्थ टिप्स इन उर्दू में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको दर्द जिस्म में कहीं भी हो, किसी जगह पे भी हो दर्द, तो मैं आपको इसका नुस्खा बहुत आसान आपको बता रही हूँ। आप ये नुस्खा किसी टाइम भी कर सकते हैं, किसी टाइम भी आप अपने घर में ये चीज़ें मौजूद है जो मैं आपको बताऊँगी। और ये आप खुदा ना खास्ता रात को कहीं दर्द हो जाता है किसी बच्चे के, बड़े के, बूढ़े के, कहीं भी, तो आप ये नुस्खा जो है यूज़ कर सकते हैं। ये नुस्खा बहुत ही आसान है। ये आप मेथी दाना है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेथी दाना है, ये अचार में भी डलता है। आप जब अचार बनाते हैं घर में तो इसमें मेथी दाना ये डाला जाता है। तो इसको आप तवे पर गर्म करें, और फिर तवे पे गर्म करने के बाद आप इसको जहाँ दर्द हो वहाँ पर आप कपड़े के अंदर डाल के और उस जगह पे बांध दें, तो ये आपका दर्द खींच लेगी। ये मेथी दाना इतना फ़ायदेमंद है कि आप ये सोच भी नहीं सकते कि इसके कितने फ़ायदे हैं। अगर आप तवे पे नहीं गर्म कर सकते तो आप इस तरह एक कपड़ा लें और उसके ऊपर इस पोटली को बना लें, इसके अंदर ये सारी डालें। इतनी आपने लिमिट में ये चीज़ लेनी है, मेथी दाना जो है ये आपने इतना लेना है, और इसको आपने इस तरह कपड़े के अंदर डाल के सारी को आपने फिर इसको क्या करना है, आप इस तरह आपने इसको कपड़े में लपेट लेना है सारी को। इस तरह जब आपने लपेट लिया है तो फिर आपने इसको इस तरह आपने इसको जब ये अंदर लिपट जाएगा सारा ये मेथी दाना, तो फिर आपने या तो आप इस्त्री गरम कर लेंगे तो उसको आप इस तरह पोटली बना के अच्छी तरह आपने इसको अंदर कवर कर लेना है। इसको जब आप कवर कर चुके होंगे तो फिर आपने इसको इस्त्री हो या आपका तवा गरम है तो आपने इस तरह कर करके उसमें इसको गरम करना है, और जितनी आप जहाँ आपके दर्द है वहाँ आपने इस तरह इसको सिकाई करनी है। इस मेथी दाने को आपने तवे पे या इस्त्री के साथ आपने गरम कर लेना, इस्त्री खड़ी है तो इस तरह आप उसको इस्त्री में लगाना है, और जब ये देखें कि आपको इतनी महसूस कर सकते हैं कि आपको ये बर्दाश्त हो, तो फिर आप उसको ऐसे करके जहाँ भी आपके दर्द हो, किसी जिस्म के जगह पे हिस्से में आपके दर्द हो, तो आपने इसको पोटली को इस तरह आपने सिकाई दे लेनी है। सिकाई देने के बाद आपने उसको फिर आपने गर्म रहेगा आपका ये जिस्म जहाँ पर भी आपके चोट लगी है या दर्द हो रहा है आपको, तो चीज़ गर्म रहेगी तो आपने उसको कपड़े गर्म से कवर कर देना है, लपेट देना है ताकि हवा ना लगे। जब वो ठंडा हो जाएगा दोबारा से तो फिर आपको दर्द हो सकता है, मगर ये जब आपकी गर्माइश रहेगी, आप उसके ऊपर कपड़ा बांध लेंगे गर्म, तो आप आराम से देखना एक दो दफ़ा आप इस पोटली को इसी तरह ही बनाना है और इसी तरह ही आपने इसको लगाना है और गर्म करके लगाते रहना है। एक दो दफ़ा आप लगाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला आपकी जादू की तरह आपकी दर्द ख़त्म हो जाएगी। आप यकीन नहीं कर सकते कि दर्द कहाँ गया। अल्लाह हाफिज़।